नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आज ये देखा आपने, बैंक निफ्टी में एक बहुत जबरदस्त मूव हमको देखने को मिली है। हम सुबह से ही जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चले गए और एक कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई थी। उस कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जो है बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया और जो है सेकंड सेशन में तो बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है। जब इसने 30,475 का लेवल जब ब्रेक किया उसके बाद कंटिन्यू वन वे डायरेक्शन में चलता चला गया और फाइनली यहां पर अगर आज हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 30,800 का हाई लगाया है। आज हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट था वो था 30,500 का, 30,480 के नियर अबाउट। 30,480 से 30,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो रेजिस्टेंस था, एक हर्डल था हमारे लिए। फाइनली आज जो है हमने उसको क्रॉस किया है और कल के लिए अब हमारे लिए जो एक रास्ता खुल गया है, समझ लीजिए हम जो है कल एक बुलिश ट्रेड के लिए हम जो है बहुत अच्छे तरीके से बुलिश ट्रेड में पैसा कल बना सकते हैं। अगर मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहा तो हम बहुत अच्छे यहाँ पैसा कल बनाने वाले हैं। सो आज भी हमने काफी सारे ट्रेड किए, हमने आज नियर अबाउट 60 ट्रेड किए, वो सारे मैंने आप लोगों को इंट्राडे उसमें टेलीग्राम में दिए हुए हैं। अगर आपने देखे होंगे तो आपने बहुत अच्छे, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा वहां से अपने ट्रेड लिए होंगे। देखिए मैं वहां पर आप जो लोगों को जो है कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या सिचुएशन इस टाइम मार्केट में चल रही है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पोस्ट करते रहता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वो चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत लाभदायक है। वहां से आप जो है टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आप मेरे द्वारा भेजे गए चार्ट को जो है देखकर आप लेवल ड्रॉ करना सीख सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख सकते हैं, आप एंट्री एग्जिट के पॉइंट समझ सकते हैं। आपको जो है कंटिन्यू इंट्राडे में आप लोगों को वहां पर चार्ट पोस्ट होते रहते हैं, आपको मिलते रहेंगे चार्ट और आप वहां से अपने जो है व्यू बना सकते हैं, आपने किस तरफ जाना है, सेल साइड जाना है बाय साइड जाना है, वो चार्ट आपकी जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की। तो ये अब हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और फाइनली यहां पर देखिए जो लेवल हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था। तो ये देखिए, तो फाइनली आज अगर हम देखें तो आज हम जो है इसके ऊपर ही कंटिन्यू हम जो है आज इसके ऊपर ही आज हम ओपन हुए और कंटिन्यू इसके ऊपर ही आज हमने ट्रेड किया और फाइनली देखिए यहां पर आकर हमने जो है 40,400, ये देखिए 40,480 के नियर अबाउट। मैं आपको यहाँ पर सॉरी मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ, वहां से पे मैं आपको अच्छे से समझा सकूंगा। तो ये देखिए अब हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए 40,475 का। तो 40,475 का लेवल यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी आपको ये लेवल मैंने बताया था कि 40,475 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम यहाँ पर देख बहुत अच्छा हम यहाँ पर बाउंस बैक देख सकते हैं। और एक चीज मैंने आप लोगों को और बताई थी, नियर अबाउट 12 से 1 बजे के बीच में अब जब सेकंड सेशन स्टार्ट होने को था, मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि जो है डाटा एनालिसिस जो हमने किया आज, डाटा एनालिसिस के हिसाब से आज बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी। सो आज आप लोगों को मैंने वहां पर पोस्ट भी किया था कि जो है मैंने जो है डाटा एनालिसिस किया है और डाटा एनालिसिस जो है आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में जो है अपसाइड जाने के मूव जो है चांस जो है बहुत ज्यादा है। सो फाइनली देखिए उसके कुछ ही मिनटों के बाद जो है बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू अपसाइड का मूव चालू किया और हम जो है यहां पर बिल्कुल कंटिन्यू अपना, हमने पिछला जो है हायर लो हमने टच ही नहीं किया, हमने जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया 30,475 के लेवल को ब्रेक किया उसके बाद हमने अपना जो है पिछला जो है हायर लो हमने टच नहीं किया। ये देखिए ये भी हायर लो टच नहीं हुआ है, ये भी हायर लो टच नहीं हुआ, ये भी हायर लो टच नहीं हुआ है। फाइनली देखिए जब हमने यहां पर जो है 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद जाकर अपना जो है पिछला जो है हमने लो अपना टच किया उसके बाद हम जो है नीचे की तरफ यहां पर रहे। अब देखिए हम 15 मिनट के चार्ट में यहां पर लगाता हूं और अब हम डिस्कस करेंगे कि अब हम जो है कल किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करूंगा तो मैं इस ट्रेंड लाइन की, ये ट्रेंड लाइन जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है अब ये ट्रेंड लाइन ही हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक हम है तब तक हम यहां पर बुलिश है। फाइनली आप अगर मान के चलिए अभी हमारे लिए हम 30,500 के ऊपर, आप ये समझ लीजिए कि 30,500 के ऊपर हम जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, तब तक हमको यहाँ पर जो बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढने हैं, हमको यहाँ पर सेल साइड के ट्रेड नहीं ढूंढने हैं। हाँ अगर आपको किसी करेक्शन में अगर सेल साइड का कोई ट्रेड मिलता भी है तो आप वहां पर छोटे प्रॉफिट के लिए जाइए, 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए जाइए, वहां बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए मत जाइए, अदरवाइज आप जो है वहां पर भी ट्रैप हो सकते हैं, वहां छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए। बाइंग साइड में आप जो है कंटिन्यू वहां पर बैठ सकते हैं, बाइंग साइड में जो है ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए। अब यहां पर देखिए हमको
कल क्या करना है, अगर मान लीजिए यहां पर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद हम जो है अगर ये हाई जब निकलेगा 30,810 जब निकलेगा, तो हम यहां पर अपना ट्रेड बना सकते हैं बाइंग साइड में अपना, हम यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। ये करना है हमको फ्लैट मार्केट में। मान लीजिए मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल क्रॉस होता है 30,810 का, फिर हम यहां पर जो है बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या करना है, जब अगर मान लीजिए ये तो था फ्लैट ओपनिंग, अब मैं आपको बताऊंगा गैप अप ओपनिंग में हमको किस तरह से ट्रेड करना है और गैप डाउन ओपनिंग में हमको किस तरह से ट्रेड करना है। मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम जो है यहां पर कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन, हम इस 30,000 और 30,500 के लिए हम आ सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके मैं कंटिन्यू आगे तक कर देता हूं। ये देखिए अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब मान लीजिए अगर हम ये ट्रेंड लाइन अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम जो है 30,400 के आसपास, 30,450 के आसपास आ सकते हैं। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई आपको दिखे, या फिर मान लीजिए इसके नीचे ही अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आप जो है यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 30,450 के आसपास अपना यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग में आपको क्या करना है, आपको यहां पर कम से कम एक 5 मिनट के कैंडल की वेट करनी है। अगर वो 5 मिनट की कैंडल अच्छी बुलिश है, तो आप वहां पर जो है उसका डे लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप वहां पर जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कॉल की साइड आप जा सकते हैं वहां पर। सेकंड यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करिए। प्राइस एक्शन के बाद मार्केट जिस तरफ मूव करती है, मींस मतलब आप जो है मोस्टली आपको ऊपर की तरफ ही देखना है। और यहां पर देखिए मैंने आपको कल एक चीज बताई थी बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, तो ये देखिए 5 मिनट की कैंडल मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर 5 मिनट की कैंडल, सॉरी मैं इसको बड़ा कर देता हूं, उसके बाद आप यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद आपको एक 5 मिनट की कैंडल फुल्ली बुलिश मिलती है, तो आप वहां पर उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर उसका जो लो होगा, मींस 5 मिनट की कैंडल का जो लो होगा, मान लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल है और इसका जो ये लो है, तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप कंटिन्यू जो है आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो आज देखिए आज क्या हुआ, आज ये कैंडल, ये मार्केट ओपन हुई और ये 5 मिनट की कैंडल देखिए, 5 मिनट का कैंडल का जो लो लगा था वो लो लगा था 30,335 का, और इसका जो हाई लगा था ये लगा था 30,431 का। मींस कहने का मतलब आप यहां पर 90 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस यहां पर लेकर आप कंटिन्यू यहां पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते थे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमारा लो जहां पर हमारा स्टॉप लॉस था, ये बिल्कुल आज मार्केट ने बिल्कुल टच करने की कोशिश तक नहीं की है, इवन कोशिश तक नहीं की है, मींस यहां पर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ था और हम कंटिन्यू आज जो है ऊपर की तरफ चलते गए। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है, आप इसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में, तो आप हमने ये देखिए चार्ट ओपन कर लिया है एक्सिस बैंक का। ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद कल मैंने आपको यहां पर बताया था कि आपने यहां पर जो एंट्री करनी है वो एंट्री आपको 624 625 के ऊपर करनी है, और टारगेट मैंने आपको यहां पर 630 और 635 के दिए थे। तो फाइनली यहां पर हमारा 630 और 635 दोनों टारगेट यहां पर अचीव हो चुके हैं। अब कल के लिए हमको क्या करना है, अब कल के लिए आज का हाई हमको क्रॉस होने देना है। मान लीजिए आज का हाई जो लगा हुआ है 637 के आसपास लगा हुआ है, तो 637 के आसपास जो है आप यहां पर जो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर आप जो है लॉन्ग कर सकते हैं। बट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां प्रीवियस हाई जो लगा हुआ है 640 का लगा हुआ है, सो यहां पर जाकर शायद ये डबल टॉप पैटर्न के रूप में भी काम कर सकता है। सो यहां पर थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करने की जरूरत है। नेक्स्ट है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए आपको यहां पर मैंने बताया था कि 416 के ऊपर इसको ट्रेड करिए, फाइनली आज हमारा वो लेवल ही नहीं आया। सो इसको जो है हम ट्रेड जो करेंगे इसको करेंगे अब 415 रुपए के ऊपर। कल अगर ये 415 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप वहां पर 413 412 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप जो है इसको लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। तो फाइनली देखिए HDFC बैंक ने बाउंस बैक कर लिया है। मैं जैसा आपको बार बार बता रहा था कि ये जो है 1350 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। हमको सेल साइड देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सेल साइड हमको तभी जाना है जब हम 1350 के नीचे क्लोज होंगे। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि यहां पर अब दो डोजी कैंडल बन रही हैं और यहां पर जो है बाउंस बैक होने के चांस पूरे पूरे लग रहे हैं। और मैंने आपको यहां पर बाइंग के लिए भी बताया था 1390 रुपए के ऊपर आप जो है यहां पर बाइंग कर सकते हैं। और जो टारगेट मैंने आपको बताया था वो 1410 का टारगेट आज देखिए फाइनली अचीव हो गया। अब देखिए कल के लिए क्या करना है, कल के लिए हमारा जो अब रेजिस्टेंस जो लेवल है वो 1415 के ऊपर आप यहां पर सेफ जा सकते हैं। 1415 के ऊपर HDFC बैंक निकलता है तो आप यहां पर 1430 के लिए यहां पर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 516 रुपए के ऊपर आज जो है हमने बाइंग करनी है, और अगर आज हम यहाँ पर देखें तो 516 रुपए का आज लेवल नहीं आया हमारा। बट यहाँ पर जो ये पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बहुत जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के हाई सेम है। ये जो हमारा 7 दिसंबर का जो कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, उसका जो है हाई लगा हुआ है 515 रुपए 60 पैसे, और जो ये आज जो 9 दिसंबर की जो कैंडल बनी है, इसका जो हाई लगा है 515 रुपए। तो ऑलमोस्ट जो है इसका हाई सेम है। तो अब इसको आपने जो है 516 रुपए के ऊपर जो है क्लियर कट आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहां पर रखना होगा। आप वहां पर एक देख लीजिएगा कि हायर लो कौन सा बन रहा है, हायर लो का स्टॉप लॉस रखकर आप वहां पर इसको जो है लॉन्ग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत जबरदस्त पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। कल आईसीआईसीआई बैंक में एक जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिल सकती है 516 रुपए के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी देखिए कंटिन्यू अब जो है ऊपर की तरफ ही, ये देखिए एक तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें हम जो है सेल साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसमें जो है बाइंग साइड का ही ट्रेड देखने वाले हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन की अहमियत को समझिए, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन की, इन चीजों की अहमियत को समझिए। देखिए, ये छोटे छोटे पैटर्न है, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आपको प्रॉपर सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। देखिए, मोस्टली ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन के बेस पर ही होते हैं। जो कंटिन्यू मार्केट एक साइड को जाती है, वन वे जाती है, मींस हायर हाई हायर लो बना रही है या लोअर लो लोअर हाई बना रही है, तो वहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ही हमारा एकमात्र हमको जो है वहां पर चीज बताता है कि ये चीज ऊपर जाना है कि स्टॉक्स ने नीचे आना है। सो इसकी अहमियत को समझिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। आप हमारे ट्रेंड लाइन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो आपको वहां पर इस तरह के कई सारे ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएंगे, जहां से देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इंडसइंड बैंक को हमको ट्रेड कब करना है, मैंने यहां पर आपको बताया था 910 रुपए के ऊपर। तो फाइनली जो आज हाई लगा है, सॉरी, मैंने आपको यहां पर जो बताया था 940 रुपए के ऊपर बताया था आज बाय करने के लिए, और यहां पर जो आज का हाई है वो 938.50 रुपए है। मींस हमारा आज लेवल आया ही नहीं। अब कल के लिए भी हमारा सेम लेवल काम करेगा, 940 रुपए के ऊपर आप यहां पर क्लियर कट बाइंग कर सकते हैं। 950, 960 और 970 हमारे कल के टारगेट होंगे। देखिए, आज जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में जिसने मदद की है वो HDFC और कोटक बैंक। ठीक है, कोटक बैंक देखिए, मैं आपको 3-4 दिनों से कंटिन्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर जो रेजिस्टेंस था वो अब ये सपोर्ट बन चुका है। अब ये सपोर्ट से बाउंस बैक हो सकता है। हम देखिए 1800 के नीचे हम यहां पर बियरिश होने वाले थे, बट यहां पर 1800 के नीचे का लेवल आया ही नहीं। अब यहां पर देखिए, कभी भी आप कोई भी स्टॉक देखिए, कोई भी इंडेक्स देखिए, जब वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जाने के बाद यहां पर कंटिन्यू इस तरह से एक रेंज बनाने लगे, और रेंज बनाने के बाद जब निकले तो वहां पर समझ लीजिए आपको एक बहुत अच्छी मूव मिलने वाली है। सो मैं आप लोगों को देखिए यही चीजें काफी दिनों से समझा रहा था कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था और ये अब यहां पर सपोर्ट बन चुका है, और यहां पर 90% चांस ये है कि यहां से ये बाउंस बैक करेगा। मैंने HDFC बैंक के केस में भी आपको यही चीज बताई थी, और मैंने आपको कोटक बैंक के केस में भी आपको यही चीज बताई थी। तो फाइनली देखिए, आज यहां पर बाउंस बैक हो चुका है। कल आप यहां पर जो है 1890 के ऊपर क्लियर कट बाइंग करिए, यहां पर कोई टेंशन नहीं है। आप वहां पर देखिए जो हायर लो क्या लगा हुआ है, हायर लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहां पर कंटिन्यू लॉन्ग कर सकते हैं। HDFC बैंक और कोटक बैंक और ICICI बैंक, इसमें जो है कल आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। बट वहां पर जो है अपने लेवल्स को जरूर ध्यान रखिएगा, अपने स्टॉप लॉस को जरूर मैनेज करिएगा। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई ट्रेड मत करिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं तो आप डेली प्रॉफिट बनाएंगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। बिकॉज अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप यहां पर से कभी पैसे बनाकर नहीं जाएंगे। आप एक दिन पैसे बना लेंगे, दो दिन पैसे बना लेंगे, तीसरे दिन सारा पैसा देकर चले जाएंगे। सो आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए, आपका मान लीजिए आपका 10 रुपए रिस्क है तो आप कितने रुपए प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप 10 रुपए रिस्क ले रहे हैं और 2 रुपए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? देखिए, आपको कम से कम 1:1, 1:2 के लिए तो जाना ही होगा। आपको अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको क्वांटिटी अपनी मैनेज करनी होगी। आपको एक ही अमाउंट मींस मान लीजिए अगर आप 10,000 पे एक ट्रेड को लगाते हैं तो आपको सारे ट्रेड सेम अमाउंट से ही करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आऊंगा, वो चीज उसमें मैं चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो इस वीकेंड में आप लोगों के लिए ऑप्शन पे वीडियो लेकर आऊंगा या फिर रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो लेकर आऊंगा, और बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। तो यहां पर आपने जो है 1890 के ऊपर आपने यहां पर बाइंग करनी है, और यहां पर आपका जो टारगेट होगा 1910 रुपए और 1930 रुपए होगा। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां से इसको रीटेस्ट होने दीजिए, इसको नीचे आने दीजिए, क्योंकि कल जो है ब्रेकआउट हुआ था, ये बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी थी,
और यहाँ पर देखिए फाइनली जो है ये रीटेस्ट हुआ। अब इसको इस लेवल पर आने दीजिए, 38-39 के लेवल पर आने दीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक मैंने आपको बताया था 245 के ऊपर, फाइनली आज ये 245 का लेवल इस क्रॉस नहीं कर पाया, कल भी हम 245 के ऊपर इसको देखेंगे, 250 रुपये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट हमारा एसबीआई, देखिए अब मैं आप लोगों को मैंने जो कल एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एसबीआई जो है कंटिन्यू 3-4 दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी भी स्टॉक्स में 3 दिन की तेजी के बाद, 4 दिन की तेजी के बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो आप अपना चार्ट खोलिए, 100 चार्ट खोलिए, 50 चार्ट खोलिए, 500 चार्ट खोलिए, उन सभी में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी कि 3 दिन की तेजी, 4 दिन की तेजी, या हद से हद मैक्सिमम 5 दिन की तेजी, उसके बाद आपको एक करेक्शन जरूर दिखाई देगी। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट वन वे जाती है, एक ही दिशा में जाती है। सो मैंने आप लोगों को यहां पर कल बताया था कि यहां पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये 4 दिनों से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, फाइनली देखिए आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो यहां पर इसको अभी कल भी आप ट्रेड मत करिए, बिकॉज मेरे को लगता है यहां से थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, ये 265 और 262 के आसपास, 265 और 262 के पास तक ये आ सकता है। सो इसमें जो है बाइंग का ट्रेड अभी बिल्कुल मत बनाइए। सो अगर देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जो, तो फिर आप जो है, आपको देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है। आप अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को अपने इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में शामिल कर लूंगा, वहां पर देखिए आपको जो है बिल्कुल प्रीमियम सर्विस बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। मींस प्रीमियम सर्विस का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो कॉल्स मैं खुद ट्रेड करता हूं, जो ऑप्शंस मैं खुद ट्रेड करता हूं, वही कॉल्स मैं वहां पर मैं आपको आपके लिए पोस्ट करता हूं। उस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो सारे लोग जो है उस कॉल को फॉलो करते हैं, जो कॉल्स मैं पर्सनली जो मैं करता हूं, वो सारे वहां पर लेवल्स आपको प्रॉपर लेवल्स वहां पर मिलते हैं, आपको स्टॉप लॉस, आपको टारगेट, आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, वहां पर सब कुछ प्रॉपर मेंशन मिलते हैं, और 4 से 5 से 6 कॉल मैं वहां पर डेली वहां पर देता हूं। So, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां से अकाउंट ओपन करिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़िए। आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।